हमें पता है जादूगर की जान किस तोते में है। वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है, वो एग्रेशन आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां से है। ठीक है, हम 100 साल तक 370-35 से नहीं हटाएंगे, आप 100 साल तक बात मत करो, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया फील्स की व्हाट कैन पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल। मोदी जी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करी, जहां तक मेरी नॉलेज है 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे साइकिल में पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी, कोई कर ही नहीं सकता भारत में। अब मैं आता हूं आपके उस क्वेश्चन पे, जब आपने बोला कि साहब एक बार वो आ गए तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब इमरान खान ने बोला ना कि हम पाकिस्तान भारत से तब तक बात नहीं करेगा जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता, और एक बार नहीं कई बार कमेंट करा, और फिर वही शबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने भी यही बात बोली कि हम बात नहीं करेंगे। इंडिया में काफी लोग हैं जो इससे बड़े खुश हो गए, क्योंकि इंडिया में एक खास तबका है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो चाहता है कि ये चले, आप मत बात करें। और जो तरड़ साहब ने बात बोली, तरड़ साहब ने गलत बात नहीं बोली, ही वाज राइट ऑन द बटन। बात यही है जो तरड़ साहब कह रहे हैं, व्हाट ही सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे लोग ऐसे कई सारे हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम 100 साल तक 370-35 से नहीं हटाएंगे, आप 100 साल तक बात मत करो, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया फील्स की व्हाट कैन पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल। ये भी बात ठीक है कि जो तरड़ साहब ने बोली थी कि prosperous and stable neighbor is in any countries, why talk about India, it is China ke interest mein hai, Russia ke interest mein, America ke interest mein. America ko kitni problem ho rahi hai wahan pe, Mexico mein jo drug wars hote rehte hain, America Americans bichare pareshan ho jate hain. Donald Trump ne tabhi to bola tha na wall banwaunga kyun, wo theek hai wo ek tarika tha unka lehja tha bolne ka, lekin fact of the matter is ki pareshan the. Donald Trump was upset as president of the United States ki boss aap hamare hazaron bacche mar rahe hain har saal drugs. So, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आई एम नॉट कंपेयरिंग पाकिस्तान टू मेक्सिको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट अगर मेक्सिको भी अगर इकोनॉमिकली स्टेबल होता, पॉलिटिकली स्टेबल होता, ड्रग्स की ग्रोथ वहां पे नहीं होती, अमेरिका खुश रहता। फिर ट्रंप साहब ये बात ही नहीं करते कि मैंने वॉल बनानी है, ट्रंप साहब कभी जबान पर बात नहीं लाते, उनको प्रॉब्लम थी, अमेरिका को प्रॉब्लम थी, इसलिए ट्रंप साहब ने बात करी, सिंपल सी बात है। तो आई अग्री विद दिस, लेकिन इसकी जो चीमा साहब द ट्रूथ इज, यस आई अग्री दैट देयर शुड बी, हम लोग बात करें, स्टेबल हो चीजें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया में अब इसके लिए एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गई है। जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब के वहां, किसी उनके उनके किसी की लड़की की शादी थी उनके घर पे, और वो गए थे लोग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शादी, मोदी जी इज फ्रॉम आरएसएस। आप समझिए, आप उनको एज अ सियासतदान मत लीजिए, आप पॉलिटिशियन मत लीजिए। मोदी जी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करी, जहां तक मेरी नॉलेज है 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे साइकिल में पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे, जब उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था, यहां पे अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जीन हराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में, उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान, इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं, विदाउट एनी प्लान, बंदा लैंड, वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता, बंदा पहुंच गया घर पे, एंड ही सेड उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े वापस आ गए। ही हैज पुट हिज एंटायर करियर ऑन द टेबल फॉर गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। इट इज नॉट अ सिंपल विजिट चीमा साहब, इसको सिंपल विजिट मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं पाकिस्तान का, आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजोरिटी से आ जाता है, जिस पर लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, तेलवीव आ जाओ, और वो कहता है ठीक है भाई, तूने बुलाया मैं आ गया, आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। बट ही डिड दैट,
और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया पर्सनली. ही टुक इट, मोदी जी टुक इट एज अ पर्सनल अफ्रंट कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत कर दिया. ये बात पीछे क्या रही, एजेंसीज ने करा, नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बोला कि जी आप जाओ अटैक, मैं ये नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा क्योंकि ये जो काम होते हैं खुफिया होते हैं. लेकिन मेरा ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल. उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूं, वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए वाघा से अटारी से गए वहां पे और मीनार ए पाकिस्तान गए. क्यों गए मीनार ए पाकिस्तान चीमा साहब? क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा, भारत नहीं चाहता अखंड भारत, में भारत सॉलो करना चाहता है पाकिस्तान. ही वेंट टू मीनार ए पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार ए पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं आई विल गो टू मीनार ए पाकिस्तान, मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पर खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं मीनार ए पाकिस्तान में खड़े होकर बात बोलने को तैयार हूं. उसमें कारगिल देखिए ना, इसके पीछे हिस्ट्री है और हम लोग अक्सर कहते हैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट दीज आर पीपल. आरएसएस जो संगठन है इट इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स. आरएसएस इज 99% आइडियोलॉजी. वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री. उनका ये बर्डन कह लीजिए, उनकी थिंकिंग कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए. तो चीमा साहब ये ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ चीमा साहब कि ऑफकोर्स थिंग्स शुड इम्प्रूव. कोई ये बोले कि चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, गलत है, और हर चीज में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए. लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा दोबारा, पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है. और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का कि अगर कोई और आता है ना, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ. आप समझ रहे हैं, वो दैट हैज बीन कास्ट इन स्टोन. अगर कोई इसको कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता, मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी, कोई कर ही नहीं सकता भारत में, मोदी जी कर सकते हैं. अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनके तो उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो मतलब क्या ही कहूं मैं उनके, मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो 15-20 लाख लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं सामने, तो उनकी तो मैड फॉलोइंग है इंडिया में मोदी जी की. तो ये चीज है, पर होने चाहिए, चीजें ठीक होनी चाहिए चीमा साहब. ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से चीजें ठीक होनी चाहिए. देखिए चाइना वाइना तो हम संभाल ही लेंगे इसको, चाइना कहां जा रहा है. देखिए हम अपने आप को मजबूत करें ना, हम ये कहते हैं कि चाइना भूत है, चाइना खा जाएगा, चाइना कुछ नहीं खा रहा सर. 1.3 बिलियन पीपल को कौन खा सकता है? हु कैन ईट अप इंडिया? नीदर यूएस, नीदर यूरोप, नीदर नोबडी कैन ईट. अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं खा सकता. इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी से लेकर मिलिट्री से लेकर एजुकेशन से लेकर वाटर से लेकर फूड से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी की, मैंने सबसे पहले जो बात करी थी चीमा साहब, अपना जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं ना, अपनी हिंदी में नींव कहते हैं, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं पता, जो अपने फाउंडेशन है जैसे घर की फाउंडेशन होती है उसको मजबूत करना. अगर वो मजबूत हो गई घर की फाउंडेशन हमारी जो कि हो रही है, फिर हम उसके ऊपर घर के ऊपर आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए, वो लोड ले लेती है. तो वॉट ये हमारी फाउंडेशन है मुल्क की चीमा साहब. यस यूएस इज अ पार्टनर डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है. डेफिनेटली यूरोप इज अ पार्टनर एंड इन मेनी वेज इवन चाइना इज अ पार्टनर. आपकी 125 अरब की ट्रेड हो रही है तो चाइना इज ऑल्सो पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन हमें यह पता है कि हमें अगर चाइना के साथ हमें अपनी सिचुएशन मैनेज करनी है, मैं लड़ना वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो हमें चाइना की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी जो कि यहां पर हो रही है. हमें पता है जादूगर की जान किस तोते में है. वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है, वो एग्रेशन आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां से है. चाइना का सारा पैसा अमेरिका का है, 70% अमेरिका की कंपनी तो वहां पे मैन्युफैक्चर करवा रही है. वरना चीमा साहब मैं आपसे पूछता हूं, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बता दीजिए मुझे, आपको नाम याद हो तो. आपको नहीं होगा नाम याद, और है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट. आपको चाइनीज गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा. एमजी जो है मॉरिस गैराजेस, दैट इज बेसिकली ब्रिटिश व्हिच दे हैव बॉट, आपको नाम नहीं पता होगा. तो यही है चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है, दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. तो उसको हम पैसे सेटल कर रहे हैं चाइना को. तीसरी बात जो है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी I2U2 की आपने बात करी, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट्स के, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स लोग जो भी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वर्ल्ड इज यूनिपोलर. आज भी एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है लेकिन चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है.
अमेरिका इज बोथ अ मिलिट्री सुपर पावर एंड एन इकोनॉमिक सुपर पावर, पहले ये बात हम क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है ना। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कंफ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। जो 67 में हमारी कंफ्लिक्ट हुई उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लोग डोकलाम में आ गए उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, जो वो ईस्ट लद्दाख में आ गए गलवान में उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो कई लोग जो ये कहते हैं खासतौर से पाकिस्तान में कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स है वो अलाइन हो रही है, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। तो कोई भी अगर इंडियन ब्लेम करता है अमेरिका को कि साहब अमेरिका फायदा, अमेरिका नहीं फायदा उठा रहा, और देखिए कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता अगर आप खुद अपना फायदा ना उठवाने के लिए बैठे हो तो। ये बात तय है, अमेरिका ने क्या करा है, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बराक ओबामा, एंड इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ जो बाइडन, हमारा जो वो है इशू है चाइना के साथ, ट्रेड हमारी बेशक 125 अरब की चल रही हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सिचुएशन वेयर टू आर्मीज आर स्टैंडिंग आईबॉल टू आईबॉल, ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल आर स्टैंडिंग आईबॉल टू आईबॉल, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अक्रॉस 3,500 किलोमीटर्स ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रूप्स, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, सब कुछ है मिला के। तो ये तो इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है ना। अमेरिका कल कहता है कि साहब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चाइना हट तो नहीं जाएगा ना अमेरिका के कहने से, चाइना तो फिर भी है, अमेरिका भारत की मदद करे ना करे, चाइना तो भारत के इंटरेस्ट में है चाइना को कन्फ्रंट करना और चाइना को मैनेज करना है इस चीज में। अमेरिका हेल्प कर रहा है या सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, बिकॉज अमेरिका इज अगेन आई एम सेइंग द लोन सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। जी मतलब बिल्कुल ठीक है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, एक चीज ऐड करना चाहूंगा मेजर साहब की बात पे, कि एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था हमारे एजाज चौधरी साहब है जो वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसडर भी रहे, उन्होंने किताब भी लिखी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन अखबार में, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना, कि एक एक ट्रेड पार्टनर, ट्रेड भी इतना ज्यादा हो रहा है और आई टू आई चाइना फौज भी खड़ी है जिस तरह मेजर साहब ने अभी कहा, लेकिन ट्रेड भी हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा केस क्यों डिफरेंट है। आपका एक एक्स डिप्लोम, आपका एक एक्स डिप्लोमेट एक थॉट आपको दे रहा है कि डायलॉग शुरू करो, रिलेशनशिप इंडिया चाइना रिलेशनशिप से कुछ सीख लो, एक थॉट प्रोसेस चल है पाकिस्तान में, लेकिन उसके पीछे विल मौजूद नहीं। तो इसमें चीजें कई सीखने वाली हैं, कई करने वाली हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि हमारी साइड पे अभी तक हम तैयबा गुल से आगे नहीं निकल पा रहे, हम अभी तक, मेरा मकसद है वो लड़कियां जो टिकटॉकर थी उनसे ही आगे नहीं निकल रहे, तो हम उन चीजों में बिजी हैं हम लोग। मेरा मकसद सोचना चाहिए कि आप इतनी एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों बर्न कर रहे हैं एक चीजों पे जिसमें से 74 साल में कुछ नहीं निकला और आगे भी कुछ नहीं निकलने वाला। अब कुछ अरसा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, देखें आपने कई कांटे चीजें करके कोशिश कर रही, फूलों की भी आप यारी करने की कोशिश करें, हो सकता है काम बन जाए। बिल्कुल तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि साजिदार और कमर चीमा ने बातें करी इंडिया के करंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि जो इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, और उस पे जो साजिदार ने बताया कि कैसे जो मोदी जी है हाल ही में 10 सालों में जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग वही जीतेंगे, और जो केजरीवाल हैं वो अरेस्ट भी हो गए हैं। साथ ही में जो साजिदार ने यह भी बताया कि कैसे किसी देश को चलाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं होती है, मोदी जी जो कि एक आम आदमी थे पॉलिटिक्स के अंदर आकर और उन्होंने पूरे इंडिया का नक्शा ही बदल दिया, इंडिया की जो डेवलपमेंट का राज है वो मोदी जी है। साथ ही में साजिदार ने भी बताया कि पूरे जो इंडिया है उन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि मोदी ही को वोट देना है और मोदी ही जीतेगा। साथ ही में बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो चाइना ने जब मोदी जी अरुणाचल प्रदेश गए थे तो उसका विरोध किया था, तो जो अमेरिका है उनका भी रिएक्शन आया है और अमेरिका ने कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूरा का पूरा
इंडिया का ही पार्ट है, इसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत करी। साथ ही में कमर चीमा और साजिदार ने यही बताया कि मोदी के बाद योगी जी शायद पीएम बनेंगे और उनका जो काम है उनकी सराहना भी करी कि कैसे जो डेवलपमेंट यूपी के अंदर हो रहा है वो पूरे इंडिया के अंदर उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।